हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही ऐसे नई से नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे। नए जुड़े सब्सक्राइबर के लिए मैं बता दूं कि रेड डाइस एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है जो हर वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता है डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। हम जलंधर बेस्ड क्रिकेट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हर वो नॉलेज आपके साथ ट्राई करते हैं शेयर करने के लिए जो आपसे सरोकार रखती है। देखिए, हम सबको क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है, हम क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं और हम क्रिकेट इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत माइन्यूटली जानना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके दिमाग में घूम रही है, उसका एक वीडियो बनाकर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर सकें। हम एक कॉन्टेस्ट भी चलाते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके आपको एक बहुत ब्यूटीफुल कश्मीर विलो बैट जीतने का मौका मिलता है। आप वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। पिछला वीडियो मैंने बनाया था टेनिस क्रिकेट बैट्स के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ टेनिस क्रिकेट बैट्स जो मार्केट में चलते हैं, लाइट बॉल, मीडियम बॉल, हैवी बॉल टेनिस के लिए। और साथ में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि टेक्निकली टेनिस बैट कैसा होना चाहिए फॉर हैवी बॉल क्रिकेट या एनी टाइप ऑफ टेनिस बॉल। उसी को आगे प्रोसीड करते हुए ये वीडियो मैं शुरू करता हूं। उससे पहले एक जर्नल इंफॉर्मेशन आपके लिए। इस बैट के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब इसको मंगूस बैट कहते हैं। मंगूस बैट का हैंडल लंबा होता है और ब्लेड नॉर्मल बैट से काफी छोटा होता है। ये 8-10 साल पहले मैथ्यू हेडन ने शुरू किया था, कीपिंग इन माइंड कि ये 2020 का स्पेशलिस्ट बैट माना गया था कि जो एक हमारा ब्लेड शॉर्ट हुआ है उसका जो वुड वॉल्यूम हमें मिला है वो हम सब छोटे ब्लेड में डाल दें, सो दैट कि एक बहुत तगड़ा मीट आ जाए ब्लेड में और बॉल ज्यादा ट्रेवल करे। वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ पर इन जर्नल सबके हाथ में नहीं चढ़ सका। मंगूस के बारे में बता दूं कि मंगूस एक ब्रांड नेम है और ब्रांड नेम से ही इस मॉडल का नाम मंगूस पड़ गया। ये ब्रांड की ग्रेटनेस होती है कि जब उसके प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम से ही पॉपुलैरिटी मिल जाए। मसलन कि हम वॉशिंग पाउडर जो भी हो उसको हम सर्फ कहते हैं, सर्फ इज द ब्रांड। तो वही हाल मंगूस का है कि एक मंगूस लेजेंडरी ब्रांड है बैट मेकिंग में, जिसका कि ये मॉडल था जिसको मंगूस के नाम से पॉपुलैरिटी मिली। इसकी खास बात यह है कि इसका हैंडल 17 इंच लॉन्ग होता है और ब्लेड भी 17 इंच होता है, टोटल लेंथ 34 हो जाती है और ये एक बिल्कुल लीगल बैट है। लीगल बैट, बैट की स्पेसिफिकेशन वीडियो हमने पहले किया है बट मैं फिर रिपीट कर दूं कि ICC हमें परमिट करता है 38 इंच तक कोई भी लंबाई हम बैट में रख सकते हैं, उसमें हैंडल और ब्लेड का साइज स्पेसिफाइड नहीं है। हम 38 इंचेस के अंदर जितना मर्जी हैंडल रख लें, जितना मर्जी ब्लेड रख लें, बट टोटल लेंथ 38 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ICC कहता है कि थिकनेस 40 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इसकी स्वेल है वो 67 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो इसकी चौड़ाई है वो 4.25 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बिल्कुल लीगल बैट है और आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसके बारे में आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके और इसके बारे में लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है। ये जो वाइट ग्रिप बैट है ये एक नॉर्मल शोल्डर कट बैट है। शोल्डर कट बैट 1983 मूवी में आपने देखा था कि कपिल पैजी ने बैट यूज किया था। हम कह रहे थे कि जी वो मंगूस बैट है, तब वो नहीं लॉन्च हुआ था, तब ये नॉर्मल शोल्डर कट बैट था। शोल्डर कट बैट और मंगूस में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मंगूस के बारे में सारी प्रॉपर्टीज में आपको बता चुका हूँ कि इसका हैंडल लंबा होता है, ब्लेड छोटा होता है, बट शोल्डर कट बैट क्या होता है, ये एक रेगुलर बैट होता है जिसके कि हम शोल्डर कट कर देते हैं।
शोल्डर कट करने के पीछे भी शायद यही मोटिव रहा होगा कि अननेसेसरी जो नॉन यूजेबल पोर्शन है हार्ड हिटिंग में, टेस्ट में तो ये बहुत यूज होता है, लॉन्ग क्रिकेट में ये यूज होता है पोर्शन, बट शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम तब जो चलती थी उस हिसाब से ये बैट डिजाइन किया गया था कि जो एक यूजलेस पोर्शन वो समझते थे बैट में है उसको शेव कर दें सो दैट कि एक वेट का एडवांटेज मिल सके और बैट फ्रीली घूम सके। तो आप और बहुत से लोग यही समझते हैं कि शोल्डर कट बैट और मंगूस बैट में कोई फर्क नहीं है, फर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट टेनिस बॉल बैट क्या होना चाहिए, तो ये बैट मैंने आज इसीलिए ही बनाया है। ये एक नॉर्मल लेदर बॉल बैट की स्पेसिफिकेशन वाला बैट है, बट इसके शोल्डर कट हैं सो दैट कि इसका वेट हल्का हो सके, और इसकी प्रोफाइल हाई मिडल है सो दैट कि इसका वेट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ये लाइट लगे, क्योंकि टेनिस बॉल में आपको लो बॉटम बैट की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉल चढ़ के आता है। देखिए हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम सब तरह के बैट बनाते हैं, हम पिछले वीडियो में मैंने बहुत से मॉडल आपके सामने रखे जो हम बनाते हैं, बट ये बैट बनाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जो नॉर्मल टेनिस बॉल बैट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, 4.5-5 इंच लोग डिमांड करते हैं, हम बनाते हैं क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमसे जो कस्टमर डिमांड करेगा हम वो बनाते हैं। ये चलता था जब तक टेनिस क्रिकेट शौकिया खेली जाती थी, पर अब जितना प्रोफेशनलिज्म टेनिस क्रिकेट में आ गया है, जितना पैसा इन्वॉल्व हो गया है टेनिस क्रिकेट में, ये स्पेसिफिकेशन लोग ऑब्जेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। हमारे पंजाब में ज्यादा चौड़े बैट बैन हो गए हैं, कोई भी एसोसिएशन अलाउ नहीं करती कि आप ज्यादा चौड़े बैट यूज करो, आप लंबे बैट यूज कर सकते हो, हैंडल जितना मर्जी छोटा रख सकते हो, उसकी सारी डिटेलिंग में बता चुका हूं, बट चौड़े बैट के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। वो रीजन ये देते हैं कि टेनिस बॉल क्रिकेट का जो बैट्समैन है वो लेदर बॉल की क्रिकेट खेलने के कैपेबल नहीं रहता, क्योंकि चौड़े बैटों से शॉट वेरिएशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लेदर बॉल क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता था। तो अपने प्लेयर्स हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकें, पंजाब ने इनिशिएटिव लिया कि ये जो बैट हैं चौड़े बैट हैं वो उन्होंने बैन कर दिए हैं, और उसी को ही मार्केट में जो एक वैक्यूम बना था ओवरकम करने के लिए हमने ये बैट डिजाइन किया है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं डिजाइन करके दूंगा बैट, ये शोल्डर कट बैट, हाई मिडल, पतला टो आपके लिए मोर देन इनफ होगा हार्ड टेनिस बॉल के लिए। आप इसके साथ लेदर बॉल से भी खेल सकते हैं, तो आप सोचिए कि टेनिस बॉल इसके साथ बहुत ही आसानी से खेली जा सकती है। रीजन वही है कि आप लेदर बॉल क्रिकेट खेले चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट खेले, आपकी शॉट्स, आपकी परफॉर्मेंस वैसी ही रहे कि आप हर फॉर्मेट में खेल सकें और परफॉर्म कर सकें। ये जल्द ही रेड डाइस की रेंज में एंट्री होने वाली है इस मॉडल की, और वेरी शॉर्टली हम इसका ब्रांड नेम और वेरिएंट नेम अनवेल करेंगे, और आई एम होपफुल कि आपको टेक्निकली समझ लग गया होगा कि इसकी क्या ब्यूटी है और आप इसके साथ हर तरह की टेनिस बॉल यूज कर सकते हैं। आई एम होपफुल कि आपको मंगूस बैट और शोल्डर कट बैट के डिफरेंस का पता लग गया होगा, तो आई एम होपफुल कि आप हर किसी शोल्डर कट बैट को मंगूस बैट नहीं कहेंगे, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब बारी है कॉन्टेस्ट सिक्स की। कॉन्टेस्ट सिक्स में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको इंडिया के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर का नाम बताना है। यू नीड टू गेस द नेम ऑफ यंगेस्ट प्लेयर हु मेड हिज डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट वाइल प्लेइंग फॉर इंडिया। आपको अपनी एंट्रीज भेजनी है 10 नवंबर तक, हम 13 नवंबर के वीडियो में विनर को डिक्लेयर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, Facebook
पेज लाइक करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है और इस वीडियो को आगे से आगे भेजना है, सो दैट कि आपके सारे फ्रेंड्स जितने भी टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, जितने भी लेदर क्रिकेट खेलते हैं, सबको एक मौका मिल सके रेड डेस का कश्मीर विलो मांबा बैट जीतने का। ये एक टॉप ऑफ द लाइन कश्मीर विलो बैट है जो आपको एज अ प्राइज मिलेगा कॉन्टेस्ट जीतने पर। आप जिस हिसाब से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसका थैंक्स नहीं कर सकता। आप हमें ऐसे ही प्रमोट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। आप बहुत माइन्यूटली वीडियोस देखते हैं, आप बहुत कीनली वीडियोस देखते हैं, आप ऐसे ही बने रहिए, आप ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछते रहिए। हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेरी का वीडियो के जरिए आपको जवाब दे सकें। आप ऐसे ही आगे से आगे भेजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।